यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। दिवाली की रात में आग का तांडव देखने को मिला। यूपी और उत्तराखंड के 8 शहरों में आग ने अपना तांडव मचाया। आग में जलकर लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो गया। कहीं पटाखों के चलते आग लगी तो कहीं आग लगने की वजह दिवाली पर जलने वाले दिए बन गए तो वहीं कहीं पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। आगरा, मुरादाबाद, बुलंदशहर, पीलीभीत, कानपुर, फिरोजाबाद, श्रावस्ती और हरिद्वार, जहां पर आग लगने की तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं पर पटाखों की चिंगारी ने आग लगा दी तो कहीं पर दियों की वजह से घर जल गए और कहीं पर शॉर्ट सर्किट ने तबाही मचा दी। तो 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, दीपावली की रात जहां लोग खुशियां मना रहे थे, जहां पर घरों में रोशनी की जा रही थी, उसी दौरान कई जगह पर हादसे भी हो गए। आग लगने की खबर सामने आई। आगरा में भी आग लगने की खबर सामने आई, मुरादाबाद में भी आग लगने की खबर सामने आई, बुलंदशहर में भी एक मेडिकल स्टोर में आग लग गई तो पीलीभीत में 2 गाड़ियों में आग लग गई, कानपुर में भी घर में खड़ी एक तरफ गाड़ी में आग लगी, वहीं फिरोजाबाद में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई, श्रावस्ती में दियों की वजह से आग लग गई और 3 से ज्यादा घर आग की चपेट में आ गए, तो वहीं हरिद्वार में भी आग लगने की खबर है। लखीमपुर खीरी में देर रात अचानक कपड़े की 2 दुकानों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते दोनों दुकानें जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग ने दोनों दुकानों में रखे सामान को स्वाह कर दिया था। आग कोतवाली गोला कस्बे के मेला मैदान में लगी है। तस्वीरें आपको दिखा रही है। लखीमपुर खीरी में भी आग का तांडव देखने को मिला है। कपड़े की दुकान में आग लग गई जिसकी वजह से 2 दुकानें जलकर राख हो गई, क्योंकि जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती, इस आग पर काबू पाती, तब तक नुकसान हो चुका था, तब तक दुकानों में रखा जो सामान था वो स्वाहा हो चुका था। और अब बात आगरा की करेंगे, जहां दिवाली पर हवाई फायरिंग की तस्वीर सामने आई है। पटाखे बैन होने के बाद एक शख्स ने हवाई फायरिंग कर दी और हवाई फायरिंग कर अपनी दीपावली मनाई और उसके बाद इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप सुनेंगे कि ये शख्स खुद को शेर बताकर हवाई फायरिंग कर रहा है। पटाखों पे ही तो बैन किया जा सकता है, शेरों की पहचान तो हाथ में है। ये क्या तो बनेगी अब दे दे तू। तो आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से ये शख्स जो कि पहले के नियम को ताक पर रख रहा है, बंदूक लहरा रहा है और ना सिर्फ लहरा रहा है बल्कि हवाई फायरिंग भी कर रहा है। एक तरफ नियम ताक पर रख रहा है तो दूसरी तरफ इस शख्स की जो अकड़ है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है और फिर उसके बाद बड़ी ही बेखौफ अंदाज में शख्स इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर देता है। हालांकि यही वीडियो अब इसके लिए मुसीबत बन सकती है क्योंकि पुलिस अब इस शख्स पर कार्रवाई करने की तैयारी में है, क्योंकि ऐसे खुलेआम हवाई फायरिंग करना नियम के विरुद्ध है। और सवाल ये भी है कि यहाँ पर अगर कोई हादसा हो जाता, ये गोली अगर किसी को लग जाती तो फिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन? शेरों की पहचान तो हाथ में है। ये बात क्या तो बनेगी अब दे दे तू। पटाखों पे ही तो बैन किया जा सकता है, शेरों की पहचान तो हाथ में है। उधर बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर पद पर तैनात देवभूमि का लाल शुक्रवार को जम्मू की बारामूला घाटी में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। जवान के शहीद होने की सूचना पर घर में मातम छा गया।
मां और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। उनके निवास स्थान गंगानगर में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ऋषिकेश के लाल राकेश डोभाल जम्मू के बारामूला घाटी में बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। शुक्रवार को घाटी में आतंकियों से लोहा लेने के दौरान वो शहीद हो गए। जवान अपने पीछे मां विमला देवी, पत्नी संतोषी डोभाल और एक 10 वर्षीय बेटी दित्या डोभाल और अन्य परिजनों को रोता बिलखता छोड़ गए। साल 2004 में बीएसएफ में भर्ती हो गए थे। बीते एक वर्ष से उनके भाई राकेश डोभाल जम्मू में तैनात थे। शुक्रवार को उन्हें बीएसएफ के सीओ से दूरभाष पर सूचना मिली कि उनका भाई आतंकियों से लड़ाई के दौरान बारामूला घाटी में शहीद हो गए। अभी भी घाटी में आतंकियों के साथ लड़ाई जारी है। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब ऋषिकेश के वीर जवान को, ऋषिकेश के वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी जा रही है, नमन किया जा रहा है। आंखें जरूर नम हैं, लेकिन गर्व भी है, गौरवान्वित भी है देश, क्योंकि देश के यही तो वीर सपूत हैं, यही तो वो बेटे हैं जो निर्भीक होकर दुश्मनों का सामना करते हैं। और जब बात भारत माँ की आती है तो अपने प्राण भी न्योछावर कर देते हैं। दरअसल बारामूला में पाकिस्तान ने एक बार फिर से हिमाकत की और सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए। हालांकि भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और जो पाकिस्तान की चौकियां थीं बॉर्डर पर, कई चौकियों को ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि बारामूला में पाकिस्तान की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब तो दिया गया, लेकिन इस दौरान सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल शहीद हो गए। और आज उत्तराखंड के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। दोपहर 3 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और फिर जौलीग्रांट से सीधे केदारनाथ जाएंगे सीएम योगी। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 16 नवंबर यानी कल बद्रीनाथ जाएंगे सीएम योगी और यूपी सरकार के प्रस्तावित भूमि पूजन में शामिल होंगे। फिर 16 नवंबर को ही लखनऊ वापस लौट आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो 2 दिवसीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा है। आज वो दोपहर 3 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और फिर यहां से वो सीधा केदारनाथ रवाना होंगे और फिर उनका जो कार्यक्रम है वो 16 नवंबर को है। 16 नवंबर को बद्रीनाथ जाएंगे, यहां पर यूपी सरकार के प्रस्तावित भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री फिलहाल गोरखपुर में मौजूद हैं और गोरखपुर से वो उत्तराखंड जाएंगे। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। संतोष शर्मा लखनऊ से मेरे साथ हैं, विनोद कुमार देहरादून से मेरे साथ हैं और नीरज श्रीवास्तव गोरखपुर से मेरे साथ हैं। सबसे पहले नीरज, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे अपडेट जानना चाहूंगी। फिलहाल क्या अपडेट है, कितने बजे रवाना होंगे मुख्यमंत्री गोरखपुर से? देखिए, आपको बता दें कि सुबह पूजा अर्चना का जो सिलसिला शुरू होता है और मुख्यमंत्री मुख्य मंदिर से लेके और परिसर के जो भी छोटे बड़े मंदिर हैं वहां पर पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद अभी 11 बजे कार्यक्रम होना है, श्री गोरक्षनाथ आशीर्वाद जो अगरबत्ती है मंदिर के अर्पित फूलों से, उन फूलों की बनी हुई अगरबत्ती का लोकार्पण वो करेंगे। और इसके बाद 3 बजे का कार्यक्रम है, उनको उत्तराखंड के लिए रवाना होना, बहुत महत्वपूर्ण 2 दिवसीय दौरा है। और उस 16 तारीख को वो बद्रीनाथ जाएंगे भूमि पूजन में, और इसके पहले केदारनाथ 3 बजे पहुंचने के बाद केदारनाथ जाएंगे और वहां पर वहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उनके साथ होंगे। बिल्कुल नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद का भी रुक कर लेते हैं जो कि देहरादून से हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद, अगर बात कर लें देहरादून की तो क्या कुछ कार्यक्रम हैं खुद उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के भी, क्योंकि वो भी साथ रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के? देखिए प्राची, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है और महत्वपूर्ण दौरा ये माना जा रहा है। और जैसे कि कल केदार धाम की कपाट भी बंद होने हैं और उससे पहले आज 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां उन्हें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उनको रिसीव करने पहुंचेंगे। और 3 बजे के बाद में उनका कार्यक्रम यानी ये हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो केदारनाथ जाएंगे और शाम को पूजा करने के बाद में रात्रि विश्राम केदारनाथ का कार्यक्रम रखा गया है। और साथ ही साथ जो सुबह का कार्यक्रम है यानी कल का है,
16 नवंबर को वो बद्रीनाथ धाम जाएंगे और उत्तर प्रदेश पर्यटन जो भवन है उनका शिलान्यास होगा, भूमि पूजन होगा। तो ये दो दिनों के कार्यक्रम है और प्राची और महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है, दो दिवसीय दौरा है। तो आज ये जरूर माना जाए कि आज दोनों मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दोनों मुख्यमंत्री एक जगह होंगे और 3 बजे योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट, जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुँचेंगे और उसके बाद ठीक केदारधाम जाएंगे और रात्रि विश्राम का कार्यक्रम केदारनाथ में ही होगा और सुबह ही भूमि पूजन का कार्यक्रम बद्रीनाथ धाम में है। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का है, हम लखनऊ का रुख करेंगे। संतोष हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष, ये जो दौरा है दो दिवसीय है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, ये किन मायनों में खास है और क्या बड़ी बातें हैं इस दौरे की? देखिए, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश का रिश्ता भले ही राज्य अलग हो गया हो, लेकिन दोनों के बीच में रिश्ता एक बड़े भाई और छोटे भाई के तौर पर रहा है। सांस्कृतिक तौर पर, भाषाई तौर पर और तमाम ऐसे कारण हैं जिसके चलते आज भी उत्तर प्रदेश के तमाम आर्थिक जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो सिंचाई की व्यवस्था हो, बिजली व्यवस्था हो, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के सामंजस्य से ही चल रही हैं। ऐसे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड का दौरा जो आज शुरू होगा, दो दिवसीय ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। गोरखपुर से रवाना होंगे करीब 1:30 बजे के आसपास, 1:30 से 2 के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे। 3 बजे देहरादून के जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरेंगे, वहाँ पे 4:45 बजे ये वहाँ पहुँचेंगे केदारनाथ। केदारनाथ में आज रात्रि विश्राम होगा, दोनों मुख्यमंत्री वहाँ पर रुकेंगे, उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के। और इसके साथ ही जो केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण की जो कार्य चल रहे हैं उसकी समीक्षा करेंगे, उसको देखेंगे, परखेंगे और कल जब केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे तब बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। ये दो दिवसीय दौरा दोनों सरकारों के बीच में, दोनों राज्यों के बीच में सामंजस्य बढ़ाने का एक दौरा होगा, क्योंकि कल जो कार्यक्रम प्रस्तावित है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शिलान्यास का, उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो उत्तर प्रदेश के लोग वहां पर पर्यटन के तौर पर जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, उनके लिए एक बड़ा कहा जाए कि वहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। लेकिन इसके जरिए दोनों सरकारों के बीच में जो लोगों के जो आने जाने वाले लोग हैं उनके बीच में सामंजस्य कैसे बेहतर किया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। दोनों मुख्यमंत्री लगातार 24 घंटे तक साथ में होंगे। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो उनका एयरपोर्ट पर स्वागत त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे और कल जब वो रवाना होंगे योगी आदित्यनाथ तो तब भी त्रिवेंद्र सिंह रावत साथ में होंगे। ऐसी तमाम मीटिंग्स होंगी, दोनों के बीच में सामंजस्य होगा, किसी तरीके से भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में जो विकास योजनाएं हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, स्पीड अप किया जा सकता है और खास करके जो थर्मल पावर प्लांट है उसको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा होने की उम्मीद है। योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है ये दोनों ही प्रदेशों के लिए बेहद खास है, क्योंकि दोनों ही प्रदेशों में किस तरीके से अच्छे रिश्ते रहे और सामंजस्य बैठा रहे इसकी कोशिश इस दौरे के दौरान की जाएगी। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। बढ़ते आगे, बात अब मथुरा की करेंगे, जहां मथुरा समेत पूरे देश में आज गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। आज गिरिराज पर्वत की सप्तकोशी परिक्रमा लगाने का खास महत्व है। आज देश भर में घर घर में गोबर से गोवर्धन बनाए जाएंगे। आज शाम को गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व होता है। गोवर्धन पर्वत की विधि विधान से पूजा होगी। अन्नकूट और दूध दही का भोग लगाया जाएगा। तो आज पूरे देश में गोवर्धन का पर्व मनाया जा रहा है। अन्नकूट पर्व के नाम से भी आज के दिन को जाना जाता है। आज खास तौर पर गाय के गोबर का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन गाय के गोबर से घर के आंगन में गोवर्धन पर्वत का निर्माण किया जाता है, गोवर्धन बनाया जाता है और फिर उसकी पूजा अर्चना की जाती है। और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने इस बार दीपावली अनाथ और गरीब बच्चों के साथ मनाई। नंदगोपाल नंदी ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले करीब 225 बच्चों को मॉल में ले जाकर उन्हें शॉपिंग करवाई। इसके अलावा उन्हें मिठाइयां और खिलौने भी गिफ्ट किए। शॉपिंग करने और गिफ्ट मिलने के बाद बच्चों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने मंत्री नंदगोपाल नंदी को दिल से दुआएं दी। नंदगोपाल नंदी का कहना है कि ऐसा करने से उन्हें सुकून मिलता है।
और लखीमपुर खीरी में पुलिसकर्मियों की दरियादिली देखने को मिली। यहां दीपावली के मौके पर सिकंदराबाद के चौकी इंचार्ज हनुमंत तिवारी ने गरीबों को कपड़े, मिठाई, मोमबत्ती और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बांटी। जो लोग दीपावली पर खरीदारी नहीं कर सकते थे, ऐसे लोग उपहार पाकर काफी खुश नजर आए। एक डिब्बा मीठा दे दो और ये लीजिए, अब ले जाओ घर पे मनाओ दीपावली, ठीक है? जाइए तुमको तो मोमबत्ती दो, काम मत करो, ये भी पढ़ाइए इनको, लो बेटा तुम भी लो। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कन्नौज की सदर कोतवाली के उदयतापुर गांव में हथियारबंद बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर लाखों रुपए और गहने लूट लिए। विरोध करने पर बदमाशों ने दंपति को पीट पीट कर घायल भी कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल दंपति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया। साथ ही फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से मामले की जांच की जा रही है। रामपुर के गंज थाना क्षेत्र में परिजनों से नाराज किशोरी को एक महिला पहला फुसलाकर अपने साथ ले गई और इसके बाद उसे देह व्यापार के घिनौने काम में झोंक दिया। महिला के चंगुल से छूटकर किसी तरह घर पहुंची किशोरी ने परिजनों को आप बीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने आरोपी महिला और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फतेहपुर के सदर कोतवाली इलाके में एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। यहां के राजकीय इंटर कॉलेज के सामने खंडहर में युवक का शव पड़ा होने की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। युवक गुरुवार से लापता था, ऐसे में उसकी हत्या कर शव को ठिकाने लगाए जाने की आशंका जताई जा रही है। मृतक के परिजनों ने उसके दोस्तों पर ईंट और डंडों से पीट पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।